हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइनिंग के बारे में। देखो, बेसिकली लाइनिंग कहाँ करी जाती है? आपका जो इनर सरफेस है, आपका जो भी टनल का इनर सरफेस है, उसमें करी जाती है। अगर हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल की टाइप से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं आयरन का, आपके स्टील का, कॉन्क्रीट का, टिम्बर का और आपके ब्रिक्स का। सबसे ज्यादा यूज होने वाली लाइनिंग सिस्टम देखो, आयरन का और स्टील का वहां पर यूज करना है जहां पर आपका आपको बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफॉर्मेशन को बचाना है। जैसे टिम्बर्स वगैरह हुआ, टिम्बर का वहां पे यूज नहीं करेंगे। जनरली आपका जो हैवी अप्लायंसेस है जहां पे बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही है या बहुत ज्यादा साउंड क्रिएशन हो रहा है और आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो जनरली वहां पे हम लोग इसको दे देते हैं। बाकी ये काफी ज्यादा कॉस्टली होगा, है ना, कॉस्ट बहुत हाई होगा, कोरोजन का इसमें चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जनरली इस टाइम पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि बार बार डेंटिंग पेंटिंग, इसका मेंटेनेंस, तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा नीड है या बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो वहां पे हम इस तरीके की लाइनिंग या पतली पतली शीट्स भी कई बार दे दी जाती है। कई बार एस्थेटिक लुक के लिए भी हम लोग इस तरीके का काम करते हैं। टिम्बर की अगर हम बात करें, तो टिम्बर लाइनिंग कहाँ पर यूज होगा? तो टिम्बर लाइनिंग जनरली आपका अर्थक्वेक प्रोन एरिया में होगा। कई बार हम आपका ऐसी जगह पे अगर आपको टनल्स बनानी है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोडिंग नहीं आ रही, जिसके ऊपर सॉइल का बर्जिंग नहीं आ रही, तो वहां पे अगर हम टनल बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम टिम्बर का यूज कर सकते हैं। ब्रिक्स लाइनिंग की मैं बात करूं, तो ब्रिक्स लाइनिंग जनरली बहुत ज्यादा यूज करा जाता है आपका जहां वाटर एरिया रहे, आपका कोई आपका ब्रिज जा रहा है इस तरीके से और इसके नीचे अगर आपको यहाँ पर टनलिंग बनानी है, तो वहां पे हम लोग ब्रिक्स का ज्यादातर यूज करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने खुदाई करी, हार्ड स्ट्रेटा था हमारा या फिर आसपास कोई हार्ड रॉक थी जिसको हमने खोदा और वहां से बहुत सारी रॉक निकल आई, तो हमने कहा क्या करें इसका, ऐसा करते हैं इसको कहीं ना कहीं थ्रोन करना पड़ेगा, इससे बेटर है कि हम लोग इसकी ही स्टोन ब्रिक का यूज करके स्टोन ब्रिक लाइनिंग करते हैं। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे मैं कम कॉस्ट में अगर मुझे यहाँ पे टनल बनानी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं ब्रिक लाइनिंग दे दूंगी, है ना। सॉइल ब्रिक का भी यूज कर सकते हैं आप, ज्यादातर स्टोन का यूज होता है। जो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल और सबसे ज्यादा यूज्ड आपका लाइनिंग रहता है वो कंक्रीट या फिर रेनफोर्स्ड कंक्रीट लाइनिंग का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। रेनफोर्स्ड लाइनिंग कंक्रीट का यूज इसलिए करा जाता है क्योंकि सबसे पहला तो इसका प्लेसमेंट काफी जल्दी हो जाता है, इसको बनाना काफी इजी है, आसान है, काफी जल्दी कास्टिंग हो जाती है। सेकेंडली, इसकी ड्यूरेबिलिटी एज कंपेरेटिव टू अदर काफी ज्यादा है। आपको पता है कि कॉन्क्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में सबसे अच्छा वर्क करता है। तो जब हम यहाँ पे बात करें हमारी टर्नल की, तो ये जो आपका प्रेशर आ रहा है, ये आपका प्रेशर कैसा आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है ना, इसमें कहीं पे भी टेंशन नहीं लग रहा, तो कंक्रीट इज बेस्ट फॉर इट, काफी ज्यादा इजी रहता है। इसमें कोई भी आपका लेबर या फिर आपका लेमेन जो लेबर्स रहते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर रहते हैं, वो भी इस काम को कर सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें, तो ये तो हमने बात कर ली कि हम लाइनिंग किससे कर रहे हैं, कौन कौन से मटेरियल का कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन सा एडवांटेजियस मटेरियल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थिकनेस की, तो देखो अब ये लाइनिंग की थिकनेस कितनी रखनी चाहिए, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 10 mm, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका जो लाइनिंग है उसको देने का पर्पस क्या है। या तो एक पर्पस ये होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी सॉइल नीचे ना गिर जाए कहीं, इसलिए हम उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए लाइनिंग दे रहे हैं, तो वो लाइनिंग की थिकनेस ज्यादा होगी। तो ये डिपेंड करेगा आपके साइज पे, आपकी ग्राउंड कंडीशन पे, है ना, आपकी शेप ऑफ टर्नल पे और कंस्ट्रक्शन मेथड्स पे भी ये कई बार डिपेंड करता है कि आपकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए लाइनिंग की। जनरली अगर हम लाइनिंग की बात करें, तो इट इज सफिशियंट अप्रोक्स 150 mm के समथिंग, या मिनिमम साइज 120 mm, आप इतना थिकनेस आप देते हो, 120 से स्टार्ट करते हो, 150, 200 और आगे तक आप ले जा सकते हो। अगर आप निकालना चाहते हो कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं निकाल लूँ न्यूमेरिकली कि मेरी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो न्यूमेरिकली निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, T = 0.5
083D। यहाँ पे टी क्या है आपका थिकनेस है, जो भी लाइनिंग का थिकनेस आपको प्रोवाइड करना है। डी क्या है डाया ऑफ टर्नल है। अगर आप यहाँ पर खाली आपको डी का वैल्यू रखना है कि आपका डाया कितना है आपके टर्नल का, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं डाया, तो आपका डाया कितना है टर्नल का ये आपको पता है, ऑब्वियसली बात है पता होगा। तो अगर आप इसको रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अलग अलग डाया के लिए आपका अलग अलग थिकनेस या मिनिमम थिकनेस आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।